हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बहादुरी और जंगी तदाबीर स्ट्रेटजीज की वजह से तमाम सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में एक खसूसी मकाम रखते हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद कुरैश खानदान में पैदा हुए थे और इस्लाम लाने से पहले हज़रत खालिद बिन वलीद ने मुसलमानों के खिलाफ ग़ज़वे उहुद और ग़ज़वे खंदक में शिरकत की, और ग़ज़वे उहुद में मुसलमानों की शिकस्त की वजह हज़रत खालिद बिन वलीद थे, क्योंकि हज़रत खालिद बिन वलीद ने ग़ज़वे उहुद में मुसलमानों पर पीछे से हमला किया और मुसलमानों के लिए जीती हुई जंग ये शिकस्त में बदल दिया। हज़रत खालिद बिन वलीद इब्तिदाई इस्लामी दौर के सबसे कामयाब और बहादुर जर्नेल थे, और हज़रत खालिद बिन वलीद का शुमार दुनिया के उन चंद जर्नेलों में होता है जिन्होंने अपनी जिंदगी में किसी जंग में शिकस्त नहीं खाई। खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिज़ंटाइन अम्पायर, पर्शियन अम्पायर, सासानियन अम्पायर और उनके इतिहादी पोहियों के खिलाफ 100 से ज़ायद लड़ाइयाँ लड़ी और नाकाबिले शिकस्त रहे। हज़रत खालिद बिन वलीद ने 6 और 8 हिजरी के दरमियान इस्लाम कबूल की, और इस्लाम कबूल करने के बाद सबसे पहले ग़ज़वे मोहते में मुसलमानों की तरफ से शरीक हुए। हुआ कुछ यूँ कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम के सिलसिले में हज़रत हारिस बिन उमेर के हाथ शाह बसरी को ख़त भेजा, लेकिन शाह बसरी ने हज़रत हारिस बिन उमेर को शहीद कर दिया। जब मुसलमानों को इसकी खबर हुई तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2000 की फौज हज़रत ज़ैद बिन हारिसा की कमांडिंग में तैयार किया और शाह बसरी के लिए लड़ने के लिए भेजा, और ये हुक्म दिया कि अगर हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु शहीद हो जाए तो हज़रत जाफर तियार मुसलमानों के नए कमांडर होंगे, और अगर जाफर तियार शहीद हो जाए तो उनकी जगह हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा मुसलमानों के नए कमांडर होंगे, और अगर ये भी शहीद हो जाए तो फिर मुसलमान फौज खुद अपने कमांडर का इंतखाब करे। इसी तरतीब के साथ ये तीनों कमांडर शहीद हो गए और मुसलमान फौज ने हज़रत खालिद बिन वलीद को अपना नया कमांडर मुंतखब किया। ग़ज़वे मौता में हज़रत खालिद बिन वलीद बहादुरी के साथ लड़े और उनके हाथ से 8 तलवारें टूट गई, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का लक़ब अता किया। फ़तह मक्का के मौके पर जंग की नौबत तो ना आई, लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह के दस्ते को प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि वो पीछे की तरफ से मक्का की बालाई हिस्से की तरफ से आए। जब खालिद रज़ी अल्लाह का दस्ता मक्का की तरफ आ रहा था तो मुशरिकीन के एक ग्रोह ने उन पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में हज़रत खालिद बिन वलीद ने उनको कत्ल कर दिया और इस तरह मक्का फतह हुआ। फतेह मक्का के बाद ग़ज़वे हुनैन हुआ। कबीला बनु सकीब वहवाज़न और तास के मैदान में जमा हो गए। जब प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई तो 12,000 की फौज मुकाबले के लिए निकले। फौज के मुख्तलिफ हिस्से थे और कबीला बनु सलीम की कमान हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह के हाथ में थी। हज़रत खालिद बिन वलीद ग़ज़वे हुनैन में शुजाअत व बहादुरी के साथ लड़े और ज़ख्मी भी हुए, लेकिन मुसलमान इस ग़ज़वे हुनैन में फतहयाब हुए। 9 हिजरी में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि रूमियों ने शाम में एक बहुत बड़ी फौज मुसलमानों के खिलाफ मुकाबले के लिए तैयार की है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3,000 की फौज तैयार की और मुकाबले के लिए निकले, लेकिन ये खबर गलत निकली। तबूक के मकाम पर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौज के साथ 20 दिन के लिए क़याम किया। तबूक के इर्द गिर्द अरबियुल नस्ल ईसाई क़ैसर रूम के मातहत थे, और क़ैसर रूम इन ईसाइयों के जरिए मुसलमानों के खिलाफ साजिश करते थे। उनमें से कुछ रईसों ने इताअत कबूल की, मगर दुम्मतुल जुंदल के रईस एक्तर बिन अब्दुल मालिक बाकी रह गया। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद को 400 आदमियों के साथ एक्तर बिन अब्दुल मालिक को मुतीअ बनाने के लिए भेजा। हज़रत खालिद बिन वलीद ने एक्तर बिन अब्दुल मालिक को गिरफ्तार किया और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाया। 9 हिजरी में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद को 300 अंसार व मुहाजिरीन के साथ कबीला बनु हुज़ैमा के पास दावत के लिए भेजा। हज़रत खालिद बिन वलीद ने कबीला बनु हुज़ैमा को इस्लाम की दावत दी और उन्होंने कबूल किया, मगर नावाकिफियत की वजह से उन्होंने इस्लाम कबूल करने के अल्फाज सही तरह से अदा ना किए और असलमना की बजाय यानी हम इस्लाम लाए सबाना कहा, यानी हम बेदीन हो गए। हज़रत खालिद बिन वलीद को इसकी समझ ना आई और खालिद बिन वलीद ने कबीला बनु हुज़ैमा के गर्दने उड़ाने का हुक्म दिया। अंसार महाजरीन में से कुछ ने हज़रत खालिद बिन वलीद की इस हुक्म से नाफरमानी की, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग मारे गए। जब प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर हुई
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बदले में दियत दे दिया। इस जंग को सरिया बनु हजीमा कहा जाता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के दौर में मुनकिरीन ज़कात और नबूवत के झूठे दावेदारों के खिलाफ जो जंगे लड़ी गई उनको इर्तिदाद की जंगे या रिदा जंगे कहा जाता है। हजरत खालिद बिन वलीद ने जंग यमामा में मुसलमा किज़ाब का खात्मा किया और इन फितनों को खत्म कर दिया। जज़ीरतुल अरब इस्लाम के इब्तिदाई दौर में दो अजीम सुल्तनतों बिज़ेंटाइन एम्पायर और सासानियन एम्पायर के दरमियान गिरा हुआ था। अगर शाम पर बिज़ेंटाइन एम्पायर की हुक्मरानी थी तो इराक पर सासानियन एम्पायर की हुक्मरानी थी और ये दोनों सुल्तनतें मुसलमानों की आज़ादी खत्म करना चाहते थे। बिज़ेंटाइन एम्परर कैसर को जब भी मौका मिलता तो शाम की जानब से सरजमीन अरब में साजिशें करते थे। ज़ुहूर इस्लाम के बाद जब सरजमीन अरब मुतहद होकर एक मरकज़ पर जमा हो गया तो इन दोनों सुल्तनतों के लिए सरजमीन अरब इंतहाई अहम हो गया क्योंकि इन सुल्तनतों को सरजमीन अरब से खतरा महसूस हो रहा था। चुनांचे इर्तिदाद की जंगों से जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु फारिग हो गए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको इराक़ पर हमले का हुक्म दिया। हज़रत खालिद बिन वलीद इराक की तरफ बढ़े और नबाज में मुसनह से मिल गए और बानकिया और बारसूमा के हाकिमों को मुतीअ करते हुए इला की तरफ बढ़े। जब शहरमस को मुसलमानों की पेशकदमी की खबर हुई तो उन्होंने फौरन अर्दशीर को दरबार ईरान इतला भेजी और खुद मुसलमानों के साथ मुकाबले के लिए बढ़े लेकिन उनको शिकस्त हुई। जब शहरमस ने ईरान से फौज के लिए मदद की दरख्वास्त की तो अर्दशीर ने ईरानी फौज को कारन बिन करियांस की मातहती में हरमस की मदद के लिए भेजा। ईरानियों की ये फौज मज़ार पहुंचा और मज़ार के मकाम पर उनको ये खबर हुई कि शाह हरमस को शिकस्त हुई है तो उन्होंने वहाँ पर क़याम किया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने ईरानी फौज का ताक़ुब किया और मज़ार के मकाम पर उनको शिकस्त दी। इस जंग को जंगी मज़ार कहा जाता है। जब जंगी मज़ार में ईरानी फौज की शिकस्त की खबर ईरान पहुंची तो अर्दशीर ने मज़ीद ईरानी फौज मुसलमानों के साथ मुकाबले के लिए भेजा। जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह को खबर हुई तो सुवैद बिन मुकर्रन को दस्ता पर मामूर किया और खुद मोर्चेबंद में मसरूफ हो गया। ईरानियों और मुसलमानों के दरमियान कसकर के मकाम पर जंग हुई जिसमें ईरानियों को शिकस्त हुई। जंगी कसकर के बाद जंगी इलाइस हुआ जिसमें ईरानियों को शिकस्त हुई। हज़रत खालिद बिन वलीद ने सासानी अम्पायर पर हमला करने के लिए सबसे पहले इराक पर हमला किया और चार जंगों में मुसलसल कामयाब हुए जिनमें द बैटल ऑफ चेन, द बैटल ऑफ राइवल, द बैटल ऑफ एलाइस और द बैटल ऑफ मजारिया शामिल है। शाम यानी सीरिया उस वक्त बिज़ेंटाइन अम्पायर का एक हिस्सा था और मुसलमानों के लिए सियासी लिहाज से अहम था, इसलिए मुसलमानों ने हज़रत खालिद बिन वलीद की कमांडिंग में सीरिया पर हमला किया। सबसे पहले हज़रत खालिद बिन वलीद ने बसरा पर हमला किया। वहाँ से पहले मुसलमानों की फौज हज़रत खालिद बिन वलीद के इंतज़ार में थे। हज़रत खालिद बिन वलीद का बसरा पर हमला करने के बाद रोमियों के साथ इस शर्त पर सुलह हो गई कि मुसलमान रोमियों की जान व माल की हिफाजत करेंगे और रोमी बदले में उनको जजिया देंगे। बसरा पर हमला करने के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद ने अजनदीन के मकाम पर शाहिनशाह हरकल की फौज के साथ मुकाबला किया और शाहिनशाह हरकल की फौज को शिकस्त हुई। अजनदीन की जंग में कामयाबी के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन अबीदा की अमीरी में मुसलमान फौज दमिश्क की तरफ रवाना हुआ और शहर को तीनों हिस्मतों से घेर लिया। आखिर में रात के वक्त पर शहर पर हमला किया गया और इस तरह दमिश्क मुसलमानों के कंट्रोल में आ गया। दमिश्क में मुसलमानों की फतह के बाद रूमी फौज इंतहाई बरहम हो गई और एक फौज तैयार की और पहल के मैदान में आ गए। दमिश्क के बाद मुसलमान उनके साथ मुकाबला करने के लिए पहल के मैदान में चले गए और जंगी पहल में मुसलमानों ने रोमियों को शिकस्त दी। इन पेदर पे शिकस्तों के बाद रोमियों में आग लग गई और उन्होंने इंतहाई बड़ी फौज जो कि 2 लाख के बराबर थी तैयार की और मैदान यरमूक में पहुंच गए। जब मुसलमानों को खबर हुई तो मुसलमान फौज भी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह की कमांडिंग में मैदान यरमूक में पहुंच गई। मैदान यरमूक में हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपनी फौज को 36 दस्तों में तकसीम किया और हर दस्ते के लिए एक कमांडर मुंतखब किया। इस जंग में मुसलमान इंतहाई बहादुरी के साथ लड़े और फतह क्लियर ना था लेकिन नतायज ज़्यादातर मुसलमानों के हक़ में आ गए थे। यरमूक के जंग के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद ने हाज़री क़स्रैन और आखिर में बैतुल मुक़द्दस का मुहासिरा किया। 17 हिजरी में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह को माज़ूल किया।
इनके असबाब ये थे कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह एक फौजी आदमी थे और मिजाज से इंतहाई तेज थे, हर फैसला खुद करते थे और बारगाह खिलाफत से इस्तिस्वाब ज़रूरी नहीं समझते थे। इसके अलावा खलीफा के पास फौज की हिसाब किताब भी नहीं भेजते थे। एक दफ़ा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह की इजाज़त के बगैर हज के लिए भी चले गए थे। इन वजूहात की बिना पर उनको मौजूल कर दिया गया, लेकिन उनको गवर्नरी का ओहदा सौंप दिया गया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह एक नाकाबिल शिकस्त जर्नेल थे। आपने जंगों में अपनी फौज से कई गुना ज़्यादा ताकतवर फौज को शिकस्त दी। एक दफ़ा हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला ने अपने दुश्मन को शिकस्त देने के खातिर जहर पी लिया था। रिवायत कुछ यूँ है कि एक मरतबा मुसलमान लश्कर ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह की कमांडिंग में एक ईसाई कले का कई दिनों तक मुहासरा किया और हमला इसलिए नहीं किया कि ये लोग राह रास्त पर आ जाएंगे। उधर ईसाइयों ने क़िला पर कब्ज़ा बरकरार रखने की खातिर एक तरकीब सोची। ईसाइयों ने एक बूढ़े फादरी अमरु बिन अब्दुल मसीह को हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह के पास बातचीत करने के लिए भेजा। अमरु बिन अब्दुल मसीह ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह से कहा कि फिल वक्त आप क़िले का मुहासिरा छोड़ लो और दूसरे क़िलों को फतह करो। लेकिन खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने जवाब दिया कि पहले वो इस क़िले को फतह करेगा। जब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने ऐसा कहा तो अमरु बिन अब्दुल मसीह ने जहर निकाल लिया और ये कहा कि मैं खुदकशी करूँगा और मेरा खून आपकी गर्दन पे होगा। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने पादरी से कहा कि ये कैसे मुमकिन हो कि जब आपका वक्त मुकर्रर न हो तो आप मर जाए। बूढ़े पादरी ने हज़रत खालिद बिन वलीद से कहा कि अगर आप ऐसा यकीन रखते हैं तो ये जहर खुद पी लो। हज़रत खालिद बिन वलीद ने पादरी से जहर लिया और पी लिया। बूढ़े पादरी का यकीन था कि कुछ लम्हों में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह मर जाएंगे और इस तरह क़िले का मुहासिरा भी ख़त्म होगा, लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह पर जहर ने कुछ असर ना किया। जब पादरी वापस चला गया तो अपने कौम को मुखातब किया और कहा कि ए लोगों, मैंने एक ऐसी कौम को देखा है जिसे मरना तो आता ही नहीं लेकिन वो सिर्फ मारना जानते हैं। ये सुनकर लोगों ने बगैर किसी मुजाहमत के क़िला हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह के हवाला किया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने जब गवर्नरी से इस्तीफ़ा दिया तो मदीना में मुक़ीम हो गए और उसके बाद कुछ दिन के लिए बीमार हो गए और 22 हिजरी को वफात हो गए।